जैसे कृष्णा मैं सपना सोमानी। मैंने कल आपको कल वाली वीडियो में मैंने आपको कटिंग सिखाई इस फ्रॉक की, पूरा मेजरमेंट के साथ मैंने आपको सब कुछ बताया। अब इसमें कुछ डाउट होता है आप मुझसे पूछना कटिंग के अंदर, और मैं आज इसके स्टिचिंग करना सिखा रही हूँ आपको, स्टिचिंग कैसे करते हैं अब मैं आपको बताऊंगी। इसमें पाइपिंग का कपड़ा चाहिए अपने को, ऐसा कोई सा भी, अगर अपन प्लेन कपड़ा ले रहे हैं तो प्रिंटेड पाइपिंग चाहिए, अगर प्रिंटेड कपड़ा ले रहे हैं तो फिर उसमें प्लेन पाइपिंग चाहिए। इस तरह से अपन इसका पाइपिंग बनाएंगे। इसकी पाइपिंग किस तरह से बनानी है अपने को, रेप लेनी है, ये तो ये सीधा जा रहा है कपड़ा, सीधा नहीं काटना अपने को, एकदम तिरछा काटना है। तिरछे में क्या होगा, एकदम इस तरह से ऐसे तिरछा ऐसे जाएगा, ए अम्ब्रेला शेप में। तो इसमें अपने को 1 इंच की पाइपिंग इस तरह से निकालनी है, ऐसे ऐसे अम्ब्रेला पाइपिंग अपने को निकालनी है, और ये पाइपिंग, और ये पाइपिंग अपने फ्रॉक में अब लगेगी। अब आप देखिएगा किस तरह से अपने को लगानी है, इस तरह से पाइपिंग बनानी है। अब मैं सबसे पहले फ्रॉक में कंधे जोड़ने होते हैं, तो मैं सबसे पहले कंधे जोड़ रही हूँ, इसमें कंधे जोड़ लेती हूँ पहले मैं। और डबल मशीन चला देंगे इसमें, इस तरह से। अब मैं पाइपिंग बताऊंगी आपको, पाइपिंग किस तरह से लगानी होती है। ऐसे 1 इंच की पाइपिंग रेप पट्टी काटी है मैंने, अब वो उल्टी उल्टी तरफ से लगाएंगे, उल्टी तरफ से इस तरह से लगाएंगे ऐसे, और थोड़ा सा खींच के लगाएंगे पाइपिंग को, कपड़े को नहीं खींचना है, केवल पाइपिंग खींचेंगे, ओनली पाइपिंग, बस इस तरह से हल्का सा खींचना पाइपिंग को, और ऐसे ऐसे लगाना, इस तरह से लगा देंगे हल्का सा खींच के, कपड़ा नहीं खींचेंगे इस तरह से। इस तरह से ऐसे लगाएंगे। अब इसको ये पाइपिंग को इस तरह से ऐसे फोल्ड करके और इस तरह से लगानी, मतलब आधा इंच की पाइपिंग अपने दिखनी चाहिए फ्रॉक में इस तरह से। अब अपन ने उल्टी तरफ से लगाई, अब अपने को सीधा तरफ से इस तरह से लगाना है, इस तरह से देखो फ्रेंड्स, इस तरह से अपन लगाएंगे। अब एकदम किनारे पर सिलाई लगानी है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में अपनी पाइपिंग लगी है। अब इधर भी एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, इसमें लगानी है वापस उल्टी तरफ से लेकर के, और इधर देखना ध्यान से एक बार, मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको पाइपिंग, फिर पूरे फ्रॉक में इसी तरह से अपने को सब जगह पाइपिंग उल्टे तरह से लगानी है, सीधे पे घुमा करनी है अपने, इस तरह से, इस तरह से। फ्रेंड्स अपन थोड़ा सा पाइपिंग को खींचेंगे, कपड़े को नहीं खींचेंगे, और इस तरह से लगाएंगे। पाइपिंग खींचने से अपने फ्रॉक में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है पाइपिंग में, ये देखिए इस तरह से हल्का सा खींच, तो ये अपने आप ही ऐसे पलटी खाएगी, तो मतलब अपनी पाइपिंग बहुत अच्छी लगी है। अब देखिएगा, अब मैं वापस से इधर बता रही हूँ, इस तरह से इतना कपड़ा अंदर डालना है और फिर इसको इस तरह से करना, आधा इंच की पाइपिंग अपने दिखनी चाहिए। अब मैं वापस आपने मैंने आपको 2 बार बता दिया है, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से आ गई है। अब ये देखो इस तरह से बहुत इजी है लगाना इसको, इस तरह से, इस तरह से हो गई अपने दोनों पाइप। इसी तरह से अपने को पहले अपन ने कंधे जोड़ लिए, फिर मैंने ये दोनों पाइपिंग बता दी,
इसी हिसाब से फिर अपने गले में भी लगेगी, गले में भी नीचे से ऊपर की तरफ पलटी खाएगा। अपने ये चोली कंप्लीट हो गई है, अब ये चोली वाला काम अपने बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें मुझे क्या बताना आपको, ये पूरा कंप्लीट काम हो गया अपने, देखो कितनी फिनिशिंग आई इसके अंदर। अब मैं ये पीछे एक आंख पार्ट आगे का रखेंगे, एक पीछे का रखेंगे, तो ये पीछे का है सपोज, है ना, तो इसमें अपन क्या करेंगे, बटरफ्लाई वाला पफ बनाएंगे इसमें पीछे, तो पीछे बटरफ्लाई वाला पफ बनाएंगे। तो कैसे बनेगा देखो, अब आप मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड, दोनों तरफ सिलाई लगाओ इतना का, 5 इंच, 7 इंच और 5 इंच चौड़ाई में कपड़ा लो, इधर से 7 इंच लेना है, इधर से 5 इंच लेना है, और फिर इन दोनों को सिलाई लगा दो। ये ऐसे और इधर इधर भी सिलाई लगा दो। इस तरह से फ्रेंड्स ऐसे बनेगा ये अपना बटरफ्लाई वाला पफ बनेगा इस तरह से। अब मैं इसको पलटी कर दूंगी इधर इस तरह से, ये देखिए इस तरह से पलटी आ जाएगा ये इस तरह से। अब इसमें मैं टक्स लगाऊंगी पीछे, टक्स में क्या होता है, ये जो शोल्डर है, शोल्डर का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा ऐसे ऐसे लगाना अपने को टक्स इस तरह से, बिल्कुल आधा आधा शोल्डर करके और इधर का ऐसे लगाना है। तो मैं इसको भी अंदर डालूंगी टक्स के अंदर, ठीक है, इस तरह से। प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इधर से दोनों हाफ हाफ ऐसे करके, और मैंने इसको टक्स के अंदर ही ले लिया है इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ऐसे। धागा मेरा यही चल रहा है क्योंकि मैंने पाइपिंग लगाई है ना, इसलिए मैंने चेंज नहीं करा। ये टक्स ऐसे लगेगा फ्रेंड्स, एक तरफ से ऐसे हो गया, और ये अपना बटरफ्लाई वाला इसी के अंदर आ जाएगा इस तरह से। फिर वापस ये अगर थोड़ा सा बड़ा आ रहा है तो अपन आधा इंच की इसी कटिंग कर लेते हैं ऐसे। अब इसी के ऐसे लगाना है, बिल्कुल इसी के साइड बीचों बीच इस तरह से टक्स अपन दे देंगे यूं। देखिए फ्रेंड्स देखने में कितना सुंदर लग रहा है, देखिए आप। अब बस इसमें क्या होगा, बटरफ्लाई बनेगी भी, मैं बताऊंगी किस तरह से लगाना है। इससे पहले अपन एक, हाँ, इससे अब ये आगे, ये तो पीछे का हो गया, ये आगे का, आगे के में तो अपन नॉर्मल टच डाल देंगे, बिल्कुल जैसे मैंने अभी डाले था ऐसे शोल्डर से आधा आधा करके एकदम इस तरह से, इधर भी ऐसे डाल देंगे ऐसे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हो गया, ये सब हो गया। अब जैसे मैंने पाइपिंग बताई ना आपको, इधर भी बताई, तो ये मैंने कंप्लीट बताई, फिर मैंने गले में बताया कि आप लगाना इसको, तो ये गला कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही नीचे घेर में पाइपिंग लगानी, मैंने कल आपको अम्ब्रेला घेर काटना बताया था ना, इसी हिसाब से पूरे में इसी कलर की पाइपिंग लगानी है, सेम ऐसे नीचे से ऊपर पलटी करनी है। हो गया ये अपना कंप्लीट। अब मैं इसमें ये करूंगी क्या, इसको ज्वाइंट करूंगी मैं। अब ज्वाइंट कैसे करना है इसको देखिए आप, इसको पहले अपन इस तरह से आधा आधा कर लेंगे ऐसे। ओके, यहाँ पे कट लगा लिया। अब एक हिस्सा तो इसमें आना चाहिए अपना, एक हिस्सा उसमें आना चाहिए इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स ऐसे कट के पास आना चाहिए अपना एक हिस्सा, तो अपना ये ज्यादा आ रहा तो मैं इसमें टक्स दूंगी, थोड़े से प्लेट्स डालूंगी इसके अंदर घेर में, देखिएगा ऐसे ऐसे मैं हल्का सा ऐसे दे दूंगी। ऐसे दे दूंगी फ्रेंड्स, मैं देखो आप देखो अंदर डाल दें थोड़ा सा इस तरह ऐसे, दो तीन ऐसे कर दूंगी तो घेर और अपना गोल गोल एकदम बहुत अच्छा घेर आ जाएगा फ्रॉक में, बहुत शानदार दिखेगा।
अपना यही कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पोर्शन लगाऊंगी मैं इधर, ये देखिए। अब मैं वापस यहीं से ही दूसरा पोर्शन ज्वाइंट कर दूंगी इधर से ऐसे। जो भी आपको डाउट हो आप मुझे जरूर शेयर कीजिएगा प्लीज ग्रुप में, या मुझे फोन करके कैसे भी आप मुझे। और आपको आगे क्लास करनी हो कुछ 7 दिन में, तो मैं इतना नहीं बता सकती हूँ आपको, मैं मेन मेन चीजें ही आपको बता पा रही हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट हो सीखने का तो जरूर घर आइएगा, फोन कीजिएगा, जरूर वेलकम है आपका। इस तरह से बस अपने को इस तरह से करना है। अब ये ज्वाइंट कर दिया मैंने, देखिए फ्रेंड्स ये हो गया अपना, ये फ्रॉक का ये उधर का हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें सिलाई लगानी है। अब देखो आप फिटिंग का टांका लगाना है मुझे, अब इसमें इस तरह से। अब फिटिंग तो मैंने आपको बताई थी कि सीना भी 22 और कमर भी 22, तो 22 22 अपने को यहाँ से 11 ले लेना है, इधर 11 दूनी 22, तो एक तरफ का 11 लेना है, तो दूसरी तरफ का भी 11, तो 22 तो अपने आप ही हो जाएगा। तो पूरा 11 पे निशान लगाना है और इधर 10 पे निशान लगाना है ऐसे। देखो इस तरह से अपने को सिलाई ले लेनी है वापस, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये अपना एक तरफा पूरा हो गया, और फिर सिलाई लगाने के बाद इन सबको इंटरलॉक भी करना है, तो ये धागे नहीं निकलेंगे फिर अपने बिल्कुल भी, एकदम सही हो जाएगा अपने धागे वागे कुछ भी नहीं निकलेंगे इसमें से। मेरे को लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है। कितनी प्यारी फ्रॉक बनी है, इधर सब इंटरलॉक करना है, ये सब इंटरलॉक में जाएगा इधर, तब ये बिल्कुल धागे नहीं निकलेंगे। और देखिएगा अब अपनी फ्रॉक कितनी सुंदर बनी है, कितना प्यारा घेर आया है इसका, पाइपिंग से कितना अच्छा लुक आ रहा है फ्रॉक का। ये देखो इसको बनाने के बाद फिर प्रेस भी करनी है, प्रेस से एकदम बिल्कुल सीधा वैसा हो जाएगा ये। देखो कितना प्यारा लग रहा है, देखो फ्रॉक कितनी सुंदर लग रही है, क्यूट कितनी प्यारी छोटी सी फ्रॉक। मेरे घर में तो बच्चा नहीं इतना छोटा, मैं तुम्हें जरूर पहनाती है फ्रॉक। और देखिए फ्रेंड्स, फ्रॉक तो अपनी पूरी कम्प्लीट हो चुकी है। अब इसमें मैं क्या करूंगी, मैं आपको इसकी वो कस बताना बता रही हूँ कि आपकी फ्रॉक पे जो लगती है जो, अब मैं वो पफ के नीचे लगाऊंगी है तो मैं लटकन। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, पहले इसको इस तरह से लेना आपने को, ये 5 इंच की चौड़ाई और ये ले लो कि 15-16 इंच की लंबाई, इस तरह से अपने को लेना फ्रेंड्स कपड़ा। अब आप ध्यान रखना मैंने 5 इंच और 15 इंच का ऐसे बताया, ओके। अब मैं इसको ऐसे तिरछा लूंगी, ऐसे ऐसे अम्ब्रेला शेप, ऐसे ओरियो शेप में लूंगी इसको, इस तरह से लगाना अपने को, इस तरह से अपन ये सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स मैं ऐसे कर रही हूँ इसको, ऐसे कर दिया मैंने। अब इसको मैं पलटी कर दूंगी इस तरह से, देखो ये मैंने पलटी कर दिया, ऐसे मैंने उसको पलट लिया है, बनाया जो मैंने कस को, और इस तरह से करना है। अब मैं तिरछा कटिंग कर दूंगी ऐसे, ऐसे देखो मैंने ऐसे ऐसे तिरछा कटिंग कर दिया एकदम, ठीक है ओके। अब मैं इसको इस तरह से अंदर फोल्ड करूंगी कपड़ा, ऐसे और ऐसे, ऐसे कपड़ा फोल्ड कर दूंगी। देखो कितनी फिनिशिंग आई है इसमें, और मैं अब इसमें सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। ये अपनी सिलाई लग गई है यहाँ पे ऐसे,
अब मैं इसमें ये चीज यहाँ पे सेट करूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना ये दोनों यहीं पे दोनों बना लिए। देखिए आप, ये ऐसे इस तरह से बनाना है, जैसे मैंने एक बताया वैसे दूसरा बनाना है, दूसरा करना है। अब इसको एक को लंबा रखेंगे, एक को छोटा रखेंगे, अपन इस तरह से करेंगे। इस तरह से इतना होना चाहिए, इस तरह से फ्रेंड्स ऐसे आएगा अपना, ऐसे आएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसका ये बनाऊंगी बटरफ्लाई। तो ये सुई में धागा पिरोया है मैंने, और जैसे मैंने आपको ये बताया था कब बनाना, अब मैं इसके बिल्कुल बीचों बीच ऐसे ऐसे आप निशान लगा लेना बिल्कुल बीचों बीच। और मैं इसको ऐसे ले रही हूँ, देखना इस तरह से ऐसे, बस इतना लूंगी फ्रेंड्स। देखो इतना मेरे को बनाना है ये चीज इस तरह से, इस तरह से लेना है। इस तरह से बस, अब फिर इसके ऊपर हल्का सा ऐसे कर देना है अपने को, तो ये एकदम फिनिशिंग के साथ में आ जाएगा ये इस तरह से। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर तो धागा दिखेगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसमें धागा नहीं दिखेगा, इसमें पाइपिंग वाले मैचिंग का बटन लगाएंगे, मैचिंग का बटन लगेगा अभी इसमें। अभी देखो बटन कैसे बनाना है, एक प्लास्टिक का बटन, आपके पास कोई भी रफ बटन पड़ा हो शर्ट का या पैंट का कोई सा भी, तो अपन उसी पाइपिंग वाले कपड़े में इसको ऐसे अंदर डाल देंगे, बटन को अंदर डाल करके ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा लो और इसको ऐसे कर लो, ऐसे करा अपन ने। अब इसके नीचे से सुई निकालनी है और इसको इस तरह से करना है, एकदम खींच के धागे को दो तीन बार घुमा करके, और बार बार में इसको आटे से सुई से पैक कर देना है इस तरह से। देखो फ्रेंड्स कितना सुंदर बटन बना है, कितनी सुंदर फ्रॉक बनी है, बहुत आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं कटिंग कर दूंगी ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये जो अपना धागा दिख रहा है ऐसा रफ लग रहा है, तो अब मैं इसके नीचे पहले ये लगाऊंगी फ्रेंड्स। देखिए इसको ऐसे लगाऊंगी और बटन को ऊपर रखूंगी, ये तो मैं नीचे रखूंगी ऐसे। देखो आप देखो इस तरह से ऐसे लगाया, इस बटन को ऊपर रखा और मैं इसको सिलाई कर दूंगी। अब सुई से देखो आप इस तरह से, अब मैं सुई से कैसे सिलाई कर रही हूँ देखो, इस तरह से मैं इसको लेते जाऊंगी, एक धागा नीचे और एक आटी कपड़े में, कपड़ा और बटन दोनों को मैं साथ साथ लेती जाऊंगी। देखो इस तरह से करना है मुझे, इस तरह से मुझे पूरा गोल गोल ऐसे, देखो फ्रेंड्स अपना कितनी सुंदर अपनी फ्रॉक बनी है। प्रेस करने की मुझे तो इसमें जरूरत नहीं लग रही है, देखो एक बार में ही इतनी फिनिशिंग आई है इसमें, देख कितना क्यूट लग रहा है। देखो ये देखो, ये मैंने मैचिंग का बटन लगा दिया तो सिलाई भी दब गई और अपना इतना सुंदर लुक आया इस बटन से। पीछे का पोर्शन देखो फ्रेंड्स आप कितना सुंदर लग रहा है, देखो ऐसे। और आगे भी आप अगर एक बटन वाले कपड़े वाले बटन आप दे सकते हो, तो एक दो तीन बटन आप मैचिंग के पाइपिंग वाले यहाँ दे सकते हो और सुंदर हो जाएगा। बाकी वैसे मेरे को इतना जरूरत नहीं लग रहा आगे तो प्लेन ही, और पीछे का पोर्शन बहुत सुंदर बना फ्रेंड्स। देखो कितनी सुंदर फ्रॉक बनी है,